आदरणीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चुनाव क्षेत्र में माजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो केंद्र की सरकार की है और वो वॉरशिप बनाती है, लड़ाकू जहाज बनाती है, डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। आज ही उन्होंने एक नया पनडुब्बी का उद्घाटन किया करंज नाम के। लेकिन सर, बहुत दुख से मैं कहता हूँ, इस कंपनी में प्रसाद नाम के सीएमडी आए दिसंबर 2019 को, उसके बाद से लेकर आज तक पिछले 15 महीने में उन्होंने एक भी मीटिंग अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधि से नहीं ली। ये ऐसी स्थिति सभापति महोदय, वहाँ 9 यूनियन है लेकिन वो सभी ने मिलकर एक बार्गेनिंग काउंसिल बनाया है, वो अच्छी बात है, उसको स्वागत करना चाहिए। या प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और वहाँ 15 महीने से एक सीएमडी अपने कर्मचारी से बात नहीं कर रहा है, दूसरे भ्रष्टाचारी मार्ग अपना रहा है, इस तरह से कर रहा है कि उन्होंने सारी चीजें आउटसोर्सिंग कर दी, जिसके कारण जून 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग था उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में और एक उस जहाज का नाम था विशाखापट्टनम, उसके बाद में और एक आग लगी, उसको तो दबा दिया, फिर वापस एक हफ्ते में मारबागोआ करके नाम के जहाज पे आग लगी। अब वो दोनों कर्मचारी जो जले हुए हैं वो मसीना हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी स्थिति में माजगांव डॉक में पूरा अनरेस्ट हुआ है, उनकी डिमांड भी आज तक, एक मिनट सर, वहाँ 3,500 रेगुलर कर्मचारी है तो 3,500 आउटसोर्स किए हुए हैं, जिनको स्किल नहीं है वो लोगों को अपॉइंट किया जाता है, और जो 8-8, 10-10 बरस से कंपनी में काम कर रहे उनको रेगुलर नहीं कर रहे। 416 लोगों की इंटरव्यू ली, सारी परीक्षाएं ली, मेडिकल नहीं ली, 7 लोगों को सिर्फ अपॉइंट कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ मांग करता हूँ, ये जो सीएमडी नए आए हैं प्रसाद साहब, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और जो नौसेना के पोत बनाते हैं ऐसी शिप बिल्डिंग कंपनी को सुरक्षित किया जाए, वहाँ के कर्मचारी को सुरक्षित किया जाए, ये मेरी मांग है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।